हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यूनिट को लेकर के है, अल्टरनेट यूनिट। तो अल्टरनेट यूनिट तो कोई नई बात नहीं है, आप पहले भी सीख चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ वाउचर में वाउचर एंट्री पास करने जाते हैं, लाइक परचेज वाउचर, तो यहाँ देखिए दो कॉलम बन गए हैं, एक्चुअल बिल और सेपरेट बिल। बिल दो तरह के कॉलम बने हुए हैं, एक्चुअल और बिल। तो ये जो है परचेज वाउचर में हम एंट्री पास कर रहे हैं और इसे एक्टिवेट मैंने किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। यहाँ पर आए, ये डाल दिया हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर, एंटर प्रेस किया, यहाँ कैश ही रहने देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ एंटर प्रेस करके और फिर यहाँ पर ये रेगुलर कर देते हैं, GSTIN डाल लीजिएगा आप, एंटर प्रेस करके यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पे बनाना होता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने के लिए ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम बनेगा, ठीक है। तो लाइक मान लीजिए कि मैं बना लेता हूँ कुछ भी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ पोटैटो, ठीक है। तो ये पोटैटो हो गया, आलू हो गया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ चल रहा हूं ताकि हर एक को बात समझ में आ जाए। अब यहां से क्या करना है, आप वेजिटेबल का एक ग्रुप बना लेते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको F12 बटन प्रेस करना है। F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको अल्टरनेट यूनिट का कॉलम मिल जाएगा। ये देखिए यहां पर आपको अल्टरनेट यूनिट दिखाई पड़ेगा, ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है। आप भी यहां पर वाई प्रेस करके कंट्रोल ए प्रेस कर ले एंटर करके, तो आपका भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर अब हम यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो यूनिट यहाँ पे जाके क्रिएट पे जाके और यहाँ केजी बना लेता हूँ, केजीएस, तो किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मल नेम इसको दे देता हूँ किलोग्राम, दे दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे कर देता हूँ के, किलोग्राम वाली यूनिट आपको डिस्प्ले हो जाएगी, यूक्यूसी कोड जो है किलोग्राम का, ये हो गया, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस 3 कर देता हूं ताकि कोई डेसिमल में एंटर करे तो भी हो जाए। अब देखिए ये कोड तो यूनिट का खुल गया इसमें। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां जाकर के और यहां अल्टरनेट यूनिट का नाम डाल देते हैं, जैसे यहां सिंबल देना है तो यहां जीएम दे देता हूं ग्राम के लिए और यहां फॉर्मल नेम दे देता हूं ग्राम, बहुत आसान है। और यहां पे देखिए ग्राम के लिए बना होगा कुछ, तो यहां पे देख सकते हैं ग्राम के लिए बना हुआ है, तो ये ग्राम्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राम कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ अब देखिए ये ग्राम है तो यहाँ 1000 ग्राम होगा और यहाँ किलो जो होगा 1 किलो होगा, ठीक है। ये आपका काम हो गया। बैचेज वैचेज डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, आलू का तो कोई एक्सपायरी होता नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर आए, अगर अब इस पे क्या GST लगा, इसको छोड़ते हैं अभी। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है रिपोर्टिंग यूपीसी कोड, तो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, तो मैं किलोग्राम कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एमआरपी अगर चाहते हैं तो डालिए, छोड़ दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे पोटैटो आ गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिग बाजार वगैरह में ऐसी स्कीम चलती है कि 10 किलो आलू खरीदे 2 किलो फ्री पाए, ठीक है। तो इस तरह की स्कीमों में होता क्या है कि एक्चुअल में बिल बनता है 10 किलो का, ठीक है। ये 10 जैसे एक्चुअल में आप लेते हैं 12 किलो, ठीक है, और बिल बनता है कितने का, 10 किलो का, यहाँ पे 10 लिखता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखिए, देख रहे हैं 10 किलो का बिल बनेगा और लेंगे आप कितना, 12 किलो, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ रेट डाल दीजिए, तो आलू की कीमत है मान लीजिए 15 रुपए किलो और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कीमत कितनी आई है, 150 रुपए आई है। अब 10 ही किलो की तो कीमत लग रही है, लेकिन आप लेज कितना जा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल कितना है, 12 किलो ले जा रहे हैं, लेकिन कीमत कितना है 12 किलो का, 15 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो कीमत लगी है, ले जा रहे हैं 12 किलो, तो इसका ये भी एक फायदा है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत फायदेमंद है, अगर आप चाहते हैं तो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता दिया है, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम करती हैं जब आप काम करने जाते हैं। तो आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट करा लेने के बाद इसको हम देखेंगे कि इसका बिल कैसे बनेगा। तो ये हमारा बिल है और इसको अल्ट के साथ पी प्रेस करता करेंगे तो अब ये बिल हमको ऐसे दिखेगा, देख सकते हैं आप, ये आपका 12 किलो है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल जो बना है वो 10 किलो का बना है, ठीक है, और कुल मिलाकर के आपको रेट लगा है 15 किलो का और बिल बना है 10 किलो का, ठीक है। 150 रुपया ही लगा है, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, शिफ्ट कितना हो रहा है, 12 किलो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो अल्टरनेट यूनिट से आप ये बिल बना सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।